की रेल अपने आप रुक जाएगी, अगर तकनीक लगा होता तो इस तरह के हादसे नहीं होते। तो इसके लिए रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दोषी हैं, उनको जवाब देना होगा। एक्ट ऑफ गॉड है, ये रेलवे की लापरवाही का नतीजा है। संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और खुद रेल मंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि लाल बहादुर शरीके शास्त्री जैसे लोग ने इस्तीफा दिया हुआ है, आपको भी पता है इन चीज़ों का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में पहले ही स्टाफ की किल्लत थी, और जिस सुरक्षा कवच की बात प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था, वो सुरक्षा कवच कहाँ है? और एक साथ तीन ट्रेनों का टकराना, ये सबसे बड़ी, आप इसको लापरवाही कहें, संयोग कहें या जो भी कहें, जिनकी जाने गई हैं, जिनके घर का चिराग गया है, उस पर सबसे पहले बालासोर की जो रेल हादसा है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और हम सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी घायलों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये रेल मंत्रालय का सबसे बड़ा फेल्योर है, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री को, लेकिन आपने देखा नहीं, रेल मंत्री जी ने खुद ट्रेन में बैठ के वो सुरक्षा कवच का देखिए प्रचार कर रहे थे। यही बात पूछा जा रहा है कि जो लोग अभी नए भारत में, जब आज़ादी के 75 साल हो गए और रेलवे में निरंतर विकास होता रहा है, इतनी बड़ी हादसा हुई क्यों हुई, कैसे हुई, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है और इस पर सरकार को चिंतित होना चाहिए ताकि आगे भविष्य में कभी इस तरीके की घटना ना हो। आपने देखा नहीं, रेल मंत्री आप बोल रहे थे कौन है पता नहीं, आपने देखा नहीं वहाँ पहुँच गए सुबह से, इतने दिन से दिखाई तो नहीं दे रहे थे रेल मंत्री। जब रेलवे के परीक्षार्थी जिन्होंने सब कुछ परीक्षा कंप्लीट कर लिया था, उन वो सड़कों पर थे, उनको मारा पीटा जा रहा था, उनको नौकरियां तक ना दी जा रही थी, और पूरा का पूरा रेलवे महकमा स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, तो ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। निश्चित तौर पर सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। तो इसको फ्रॉड नहीं कह सकते, ना ही एक्ट ऑफ गॉड है, ये रेलवे की लापरवाही का नतीजा है। संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और खुद रेल मंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि लाल बहादुर शरीके शास्त्री जैसे लोग ने इस्तीफा दिया हुआ है, आपको भी पता है इन चीज़ों का। सबसे बड़ा कहना है कि रेलवे महकमा में जो खाली पद हैं, उन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जब लगातार ममता बनर्जी ने कहा है कि अब जो मरे हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, मोदी जी वहाँ गए हैं अब? देखिए, मोदी जी तो जाने से पहले रेलवे के तमाम जो कमियां हैं उन कमियों का निरीक्षण करना चाहिए रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को। रेल की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई। जब से मोदी जी की सरकार आई, सबसे ज़्यादा इन्होंने रेल का अपना अलग बजट होता था और सभी तरह की आप देखते थे रेलवे के बारे में सोचना विचारना तमाम सरकारों में होता रहा है। इस सरकार ने रेल बजट को ही ख़त्म कर दिया और सबको एक साथ कर दिया, तो रेलवे के बारे में रेलवे का जैसा पहले ढांचा था उस तरीके का ढांचा रहना चाहिए। वंदे भारत चला दिए एक ही, अरे सुन तो लो भाई, एक ही ट्रेन की बार बार उद्घाटन कर रहे हो। आज तक भारत के इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो बार बार एक ही ट्रेन का उद्घाटन कर रहा। घायलों के स्वस्थ होने की कामना कीजिए और रेल की जो कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से ये दुर्घटना हुई है, ये एक देश के लिए बहुत बड़ा त्रासदी है, तो इस पर विचार कीजिए। क्या लगता है इसकी गलती किसकी है, मतलब दोषी कौन है? रेलवे स्टाफ की गलती है कि जो लोग संबंधित अधिकारी हैं, अगर ये तत्परता से काम किए होते, जब तक गंतव्य स्टेशन तक गाड़ियां नहीं छूट जाती तब तक रेलों दूसरी ट्रेनों का परिचालन नहीं होता। लेकिन पंकज जी, क्या लग रहा है, जब पहले ट्रेनों का उद्घाटन तो कहा गया था कि अगर ऐसी कोई घटना होने वाली होती तो ड्राइवर अगर ट्रेन ना रुकता तो ट्रेन खुद रुक जाएगी, तो क्या हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं कि हर एक ट्रेन में वो सुविधा लगाई जाए? देखिए, ये सरकार में आप जब देखेंगे, मैं आपको पहले कह चुका कि रेल का अपना बजट होता था, रेल निरंतर विकास कर रहा होता था। पहली ऐसी सरकार आई जिन्होंने रेल बजट पर रोक लगा दी और रेलवे में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की पद रिक्त हैं, तो उससे भी रेल के परिचालन में फर्क पड़ रहा। लेकिन वो तो मोदी जी ये बोलते हैं ना, बहुत सुविधाएं बढ़ा दिए, कुछ ना सुविधा बना। सुनो, रेलवे में 225% से अधिक किराए बढ़ा दिए गए, ट्रेन के टिकटों का फ्लेक्सिबल रेट कर दिया गया, उसके बावजूद रेलवे में सुविधा के नाम पर शून्य है। और जहाँ तक कर्मचारियों के बहाली की बात है तो बहालियाँ तो हो ही नहीं रही, तो बहालियाँ नहीं होगी तो सुचारू रूप से परिचालन नहीं हो पाएगा। वहीं पर पंकज जी, जो पहले पुराने ट्रेन है, कोच है, एक्सीडेंट में जो भी बचे, लेकिन अभी जो कई लोग बोल रहे हैं वंदे भारत का कोच होता तो क्या हादसा और बड़ा हो सकता है? देखिए, ये अंधभक्तों का दिमाग का उपज है। राजधानी शताब्दी जैसे ट्रेन पहले भी चल रहे थे,
और इन्होंने तो बुलेट ट्रेन की बात की, अगर बुलेट ट्रेन होता तो और क्या होता। हाँ। नहीं तो ऐसा नहीं कहते। सबसे बड़ा देखिए, परिचालन में जो से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, इनके लापरवाही का नतीजा रेल हादसे के रूप में दिखाई दिया है। लेकिन आप कह रहे रेल हादसे, लेकिन लगातार जब ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं तो मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। निश्चित तौर पर रेल मंत्री को, या फिर नीतीश कुमार, बिल्कुल नैतिकता के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी है, नीतीश कुमार जी ने दी है, और भी कई रेल मंत्रियों ने दिया है। तो जो भी वर्तमान रेल मंत्री हैं, देश उनका नाम भी नहीं जानता, अश्विनी कुमार जी का, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी निष्क्रियता कहीं ना कहीं और उनकी अनदेखी जिम्मेवार है। लेकिन जब कहीं ट्रेन का उद्घाटन करने, आप कह रहे हैं कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जब कहीं ट्रेन का उद्घाटन करने की बात आती तो मोदी जी करते हैं, तो जिम्मेदार कौन है यहाँ? दोनों लोग हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और रेल मंत्री भी हैं। रेल मंत्री को इसका संज्ञान लेना था। रेल मंत्री कभी रेल के बारे में चिंता करते ही नहीं है, उनको प्रचार मंत्री के तौर पर काम करते प्रधानमंत्री भी और रेल मंत्री भी, जिसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। रेल की हालत बद से बदतर हो गई, रेल का अपना बजट बंद कर दिया गया, रेलवे में कर्मचारियों की बहाल, रेल का अपना, रेल का अपना बजट पेश होता था, देश के बजट के अलावा रेल का अपना बजट बजट से पहले पेश होता था, रूपरेखा तय की जाती थी कैसे रेलवे में सुरक्षा दी जाएगी। अब आप देखेंगे भिन्न भिन्न पदों में रिक्तियां हैं, तो जाहिर सी बात है जब आदमी नहीं होगा, मैन पावर नहीं होगा, तो काम कौन करेगा। और जिस सुरक्षा कवच की बात कही जा रही थी, जिसका ढोल पीटा जा रहा था, उसकी ढोल तो बालेश्वर में साफ साफ दिखाई दे दिया। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में वो लगा नहीं था। क्यों नहीं लगा था, कौन जवाब दे लोग हैं? आप इस पर बात नहीं करते। हाँ। नहीं लगा था कह देना ये आसान सा चीज है। जब ये तकनीक है कि रेल अपने आप रुक जाएगी, अगर तकनीक लगा होता तो इस तरह के हादसे नहीं होते, तो इसके लिए रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दोषी हैं, उनको जवाब देना होगा। पार्लियामेंट बन गया सब कुछ है, ये जानबूझकर गोवलकर के सिद्धांतों को मानते हैं, जानबूझकर रेल को डुबा रहे हैं। और रेल भारत की जीवन रेखा है, अब इस जीवन रेखा को आप खत्म करना चाहते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। तो टिकट के आपने भी देखा होगा, आप कह रहे खत्म करना चाहते हैं, टिकट की प्राइस बढ़ा दिए, ट्रेनों में सुविधाएं अलग अलग दी जा रही हैं। क्या सुविधाएं बताओ, आप ही बता दो, क्या सफाई की है? सफाई ज्यादा होगी। अरे दावा करने से क्या होगा। हाँ। सफाई अभियान के नाम पर, जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर भी सेस लगाया गया, रेलवे के किराया बढ़ाए गए, तो दिन प्रतिदिन गंदगी उससे ज्यादा अंबार लग गया। तो आप देखेंगे ट्रेनों में पानीयन पानी नहीं होती है, किसी स्टेशन पर फर्स्ट एड की सुविधा नहीं होती है, रेलवे में डकैती होती है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो उन सब चीजों के लिए नई नई ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं, लगातार उद्घाटन किए जा रहे हैं। जिस हिसाब से पूर्ववर्ती सरकारों में ट्रेन बराबर खुलते थे, हर साल बजट में नई ट्रेनें दी जाती थी, इस सरकार में क्या मिला है, कितनी ट्रेनों की सौगात। अरे भाई, एक वंदे भारत को हर जिले में जाके आप उद्घाटन कर रहे, हर राजधानी में जाके उद्घाटन कर रहे, तो उससे क्या हो जाएगा। तुरंतो चालू हुआ था, गरीब रथ चालू हुआ था, आपको पता होगा तमाम तरह की ट्रेनें हर रेल मंत्री ने शुरू किए थे, एक बार उद्घाटन करता था सब सो जाता था। अब रेल के पैसे को आप उद्घाटन में ही, अपना फोटो छपाने में ही खर्च कर दोगे, तो रेल में कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी ना। जांच में ये भी लग रहा है कि कोई पटरी में भी कोई प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, जिससे स्टाफ है ही नहीं ना रेलवे में, महकमे में स्टाफ जो है 30-40% तक की कटौती कर दी गई। और इसके लिए रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम वो बड़े अधिकारी जिन्होंने रेल कर्मचारियों में कटौती की है वो जवाबदेह हैं। आपने देखा होगा कि हादसे में जो मालगाड़ी थी वो खड़ी थी और दो ट्रेनें आके टकरा गई। अब वही स्टेशन मास्टर क्या कर रहा था, लाइनमैन क्या कर रहा था, ये तमाम चीजें हैं और ये जांच का सब विषय है। और अभी तो हम कहते हैं देश भर के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से, जाइए आप लोग जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर घायलों को मदद कीजिए, और वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उन सभी की सेवा कीजिए।